अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर विकासखंड की देई का नौर पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर उपायुक्त हमीरपुर तक को गुमराह करने की शिकायत उपायुक्त के दरबार में पहुंची। आज दर्जनों ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर पंचायत प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रधान ने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पंचायत के कामों में धांधली की है और कामों की जाँच करवाने के साथ प्रधान को पद से बर्खास्त करने की भी मांग उठाई है। हमीरपुर विकास खंड की देई का नौर पंचायत के विकास कार्यों के नाम पर उपायुक्त हमीरपुर तक को गुमराह करने की शिकायत उपायुक्त के दरबार में पहुंची है। आज दर्जनों ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर पंचायत प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रधान ने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पंचायत के कामों में धांधली की है और कामों की जाँच करवाने के साथ प्रधान को पद से बर्खास्त करने की भी मांग की है। ग्रामीण दीपक शर्मा ने बताया कि पंचायत में महिला के घर के लिए बनाए गए रास्ते के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे, तो पटवारी रिपोर्ट भी फर्जी बनाई गई थी और रास्ते के कामों के लिए भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि आईटीआई के बाद रास्ते के कामों में धांधली का पता चला है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि फर्जी कार्य करवाने के चलते ग्रामीणों में गहरा रोष है, जिसके चलते ही पंचायत को बर्खास्त करने की मांग डीसी से की जा रही है। देई कानून का निवासी हूं और अब मैंने यहां पे एक इंक्वायरी डाली थी, उसमें इंक्वायरी के बाद उसमें पाया गया है कि नियमितता बरती गई है और डीसी साहब को गुमराह किया गया है। तो उसके लिए अब हमारी मांग है कि जल्द से जल्द प्रधान जी को, प्रधान ने जिसने कार्यों में असीमित अनियमितता बरती है और सभी को उच्च अधिकारियों को गुमराह किया है, उनको निलंबित किया जाए और बाकी जितने भी मामले हैं उनमें उस स्तरीय अधिकारियों से जांच की जाए और जो भी पंचायत में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है उसको अपने पास रख करके एक निष्पक्षीय जांच की जाए, जिससे कि पता लग सके कि पंचायत में क्या हो रहा है। एक रास्ता डाला गया था जिसमें हमने देखा कि जाली दस्तावेज लगाए गए थे, फोटो जहां का था वहां का नहीं बताया गया था, जबकि वो वहां का था ही नहीं, और फोटो में बताया गया था कि रास्ता बुरी तरह से टूट चुका है जबकि वो टूटा ही नहीं है, उसी में ये नियमितता पाई गई है। और जैसे कि पटवारी की एक फर्जी रिपोर्ट भी हमारे सामने आई है जिसमें कि पाया गया है कि पटवारी ने रिपोर्ट जो है पूरे एक साल बाद दी है और रास्ता एक पहले टूट गया है, तो इस तरह की नियमितताएं निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा पाई गई हैं, जिससे डीसी एवं वीडियो दोनों को गुमराह किया गया है। प्रतिनिधि मंडल में आए हुए स्थानीय निवासी ने बताया कि पंचायत प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए डीसी से गुहार लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रधान ने मनमर्जी से काम किए हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रधान पर कार्यवाही नहीं होने पर ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। भी मेरी लेटेस्ट भी वहां पे चली हुई है कि रास्ता नहीं बन रहा है, तराई के बारे में भी मेरा ऑब्जेक्शन है, बाकी गांव वालों को भी ऑब्जेक्शन है। अभी बीडीओ साहब आए थे, बीडीओ साहब को 4 से 6 लोगों ने, गांव वालों ने मना किया कि यहां तराई नहीं बननी चाहिए, लेकिन बीडीओ साहब ने क्या रिप्लाई दिया, बोले जी सारे एग्री है वहां पे उस तराई को बनाने के लिए। तो मुझे ये समझ नहीं जाती है कि जो लोग मना करते हैं उनका भी नाम नहीं लेते हैं ये, और बाद में रिपोर्ट देते हैं कि जी सारे एग्री हैं। जल्दी काम शुरू करवा रहे हैं लेकिन काम नहीं होता है। मैं कम से कम पर्सनली मेरा जो है वो 5 से 10 हज़ार रुपये बीडीओ साहब के पास जाके मैं थक गया हूं, और मैंने बीडीओ साहब को बोला कि अब मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है जो कि मैं आपके पास आऊँ। तो तहसीलदार साहब से भी मैं मिला, तहसीलदार साहब ने बोला कि अगर जमीन आपकी जो है वो गवर्नमेंट लैंड है तो बीडीओ साहब को बोले कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें, वो अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनसे एक प्रधान ही मतलब काबू नहीं हो रहा है सर, वो रास्ता ही नहीं आज दिन तक बन रहा है। गांव वालों को झूठी अफवाह फैलाता है, आपकी मिसलें बन जाएंगी, आपका ये हो जाएगा, आप मेरे पास आओ, झूठे साइन लेता है, झूठे फ्रॉड है इसके सारे काम पूरी पंचायत के अंदर। देशराज शर्मा ने बताया कि विकास कार्य के लिए पैसों का दुरुपयोग किया गया और कार्य के लिए जेसीबी से काम करवाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधान के द्वारा रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत का कभी भी कोरम पूरा नहीं होता है, लेकिन प्रधान अपनी मर्जी से कोरम पूरा करवाकर कामों को करवाने में लगा हुआ है। मैं गांव लेकर आऊँ देशराज शर्मा, हमारे वार्ड में जो वार्ड नंबर 1 है उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ प्ले ग्राउंड गुमाड़ा के लिए पंचायत ने सेंक्शन करवाया था पैसा, और उसका निर्माण कार्य जो है वो टीका ले में करवा दिया। जब
जब हमने इसकी शिकायत की डीसी साहब को तो उसकी इंक्वायरी फ्रेम हुई, उसमें लिथापोथी की, जेबीसी से काम कराया, जबकि जेबीसी रिक्वायर्ड नहीं है मनरेगा के काम में, और ठेकेदार से काम करवा रहे हैं, और लिंक रोड टू बिल्ली ले है उसके लिए भी इन्होंने ठेकेदार से काम करवा रहे हैं मनरेगा का, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है, सब कुछ है, हमने मौके की वीडियो ली है, वहाँ ठेकेदार काम कर रहे हैं, और जो खंड विकास अधिकारी है वो भी लिथा पोथी करती है हर बात में, और सारा झूठा काम है जो है वो सस्पेंड किया जाए, और ये रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई वोचर नहीं इसका मिलता है।